अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है उसका कौन सा पद 78 है। तो ये सवाल तीसरा सवाल आप जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो उदाहरण नंबर 4 की तरह है, जिसमें आप पहले देखेंगे अगर टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो सेम उसके जैसा सेम यहाँ पे सवाल जो है वो दिया गया है। ठीक है, फर्क कितना है, आपको सिर्फ पहले का स्टेप करना आ गया है। ठीक है, सिर्फ पहला स्टेप आपको क्या करना है, करना है कौन सा पद 78 यहाँ पे है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, वहाँ पे एन इज इक्वल टू 78 यहाँ पे ले लो तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे n जो है मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कौन सा पद -150 है, तो वहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने l बराबर कितना 78 लिया था, यहाँ पे l इज इक्वल टू कितना लोगे 150 ले लोगे। ठीक है, तो आपको ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोनों किसकी तरह, उदाहरण नंबर 4 की तरह है। सेम फॉर्मूला भी क्या रखोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे एन बराबर एक बार ये रख लेना। ठीक है, इसके हिसाब से फिर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप ये रख लेना। ओके, तो चलिए पांचवा सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं यहाँ से इतना वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो सवाल जो आप देख रहे हैं चौथा छठा, ये भी सेम इसी की जैसा ही है पूरा। तो चलिए मैं एक सवाल यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी के सवाल जो है आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो पहला सवाल थोड़ा ईजी है, थोड़ा मैं तो क्या करता हूँ दूसरा सवाल सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा सवाल में ए कितना दिया है, 18 दिया हुआ है, डी चाहिए मुझे, तो क्या करना होगा दूसरे में से मुझे माइनस करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 15 सही 1/2 दिया है, माइनस कितना यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी कितना हो गया 30, 30 और 1 कितना हो गया 31, 1/31 में कितना हो गया 2, माइनस कितना है 18। अब इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 माइनस 8 दूनी कितना हो गया 16। ठीक है, 18 दूनी कितना यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 36 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कितना 2 था, यानी 2 LCM दोनों का आ गया। तो सॉल्व करेंगे इसे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना यहाँ पे आ जाएगा -5/2 में कितना आ गया 2 यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे L हमारे पास कितना दिया, L मतलब आखिरी का पद, तो आखिरी का पद कितना यहाँ पे दिया है -47, तो यहाँ पे लिख देंगे -47। अब डायरेक्ट सेम फॉर्मूला आप रख दोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या रख दोगे डी, ए एन कितना दिया है -47, यानी आखिरी का अंक में कितना दिया 47 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ए, ए कितना मेरे पास दिया हुआ है, ए है 18, तो लिख देते हैं यहाँ पे 18। उसके बाद एन तो मुझे फाइंड करना है, डी कितना आ रहा है -5/2। ठीक है, इसको इस साइड ले लो तो -47, इधर माइनस कितना हो गया 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कितना है -5/2, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। ठीक है, आप माइनस तो 8 और 7 हमारे पास कितना हो गया 15 का हासिल 1, 4 और 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कितना है -65। ठीक है, यहाँ पे कितना है n माइनस वन है और यहाँ पे कितना है -5/2 है। तो यहाँ पे आप इसे ये गुणे में, तो ये किसे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास n माइनस वन और -65/2 में कितना है -5/2 में कितना हमारे पास है 2। तो ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 जो है इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसे हम किस तरह यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लिखना चाहो तो इस तरह यहाँ पे इसे लिखेंगे, कैसे, तो 65 × 2, क्योंकि बटे के नीचे बटे में, तो यहाँ पे कितना हमारे पास है 5 और यहाँ पे n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 130 हो गया, बटे में कितना है 5। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, भाग दे दो इसको, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और कितना बच गया हमारे पास 3, यानी 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, माइनस 1 है इस साइड आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बच गया n, मतलब 1 इधर हमने ले लिया। ठीक है, तो 26 और 1 कितना होगा 27, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 27, यानी कुल कितने पद होंगे, तो कुल 27 पद होंगे। सेम इसी तरह आपको पहला सवाल भी फाइंड कर लेना है, a लिखोगे d माइनस करके फाइंड करोगे तो यहाँ पर d कितना मिलेगा 13 में से माइनस करोगे 7, यानी आपको 6 मिलेगा। ठीक है, फिर इस तरह an के अंदर रख देना, तो ये आपका क्या होगा, ये सवाल जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो छठा तो आप सेम कर लोगे उदाहरण नंबर 4 की तरह। 7 देखें यहाँ पे, एपी का क्या दिया 31वां पद, हमें क्या करना है 31वां पद फाइंड करना है, यानी A31 इज इक्वल टू मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे 11वां पद 38, यानी इसे लिख सकते हो A11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, और 16वां पद यानी A16 इज इक्वल टू 73 दिया हुआ है। ये भी हमने एग्जाम्पल किया, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे लिखना चाहे तो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D लिख सकते हो। ठीक है, और इसे क्या लिखोगे, A
16 इज इक्वल टू ए प्लस 15d राइट कर सकते हो। जहाँ पे स्टूडेंट्स A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 38, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 38। तो इसका स्टूडेंट शॉर्ट तरीका, इससे भी अच्छा हमारे पास तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो डी का, डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन बटे में एम माइनस क्या होता है एन हमारे पास होता है। अब देखो एम मतलब सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख दोगे क्या लिखोगे आप ए 16, छोटा क्या हमारे पास ए 11 बटे में 16 माइनस 11, ठीक है। तो ए 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ए 16 की वैल्यू लिखी है 73, तो यहाँ पे 73 माइनस ए 11 की वैल्यू 38, एम कितना है 16 में से गया 11, यानी कितना बचा 5 बच गया, ठीक है, माइनस कर दो 13 में से गया 8, 13 में से गया 8 तो कितना बच गया 5, और यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से स्टूडेंट्स अगर 3 माइनस किया यानी कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 से कितना हो गया 35, यानी D की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई 7। तो राइट कर देना आपको D इज इक्वल टू 7 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आप क्या करना, आप चाहे इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले दोनों में से किसी एक के अंदर भी क्या करना 7 रख देना। तो मैं रखता हूँ A11 इज इक्वल टू A प्लस 10, यहाँ पे D आएगा, ठीक है, 10D, जहाँ पे D की वैल्यू कितने रखेंगे हम 7 यहाँ पे रखेंगे, तो रख देते हैं। अब देखो A स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे पता है क्या, नहीं पता, तो इसी से हम A फाइंड करेंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, A11 38, तो यहाँ पे 38 राइट कर दो। A प्लस यहाँ पे D की वैल्यू कितनी दी है 7, तो यहाँ पे रख दो 7, 10 सत्ते कितना स्टूडेंट्स हो गया 70 हो गया, और यहाँ पे कितना हमारे पास है 38, इसको इस साइड ले लो, ठीक है, तो 38 माइनस कितना हो गया 70 इज इक्वल टू कितना हो गया A, माइनस कर दो 10 में, अब यहाँ पे माइनस होगा 10 में से गया 8 तो कितना बचा 2 बच गया, ठीक है, उसके बाद 7 में से गया 3 तो कितना बच गया 4 बच गया, बड़ी संख्या माइनस इसलिए क्या आ जाएगा माइनस में, यानी A इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया माइनस 42 यहाँ पे आ गया, यानी A की वैल्यू मेरे पास है, D की वैल्यू मेरे पास है, तो आप डायरेक्ट 31वां पद फाइंड कर सकते हैं किस तरह, तो यहाँ पे लिखेंगे A31 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, A की वैल्यू कितनी फाइंड की माइनस 42 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 31वां A31 दी है ना, तो यहाँ पे इस कितना रखोगे आप 31 रखोगे, ठीक है, एन की जगह पे, और 1 डी हमने कितना फाइंड किया 7, तो 7 माइनस 42 यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया इंटू कितना यहाँ पे 7, ओके माइनस 42 सात यहाँ कितना हो गया 21 हो गया, यानी 210, अब ये माइनस हो रही है प्लस यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 10 में से जाएगा 2 तो कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया, ठीक है, यहाँ कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे हो गया 10 हो गया, ठीक है, 10 में से गया 4 तो कितना बचा 6, और इधर कितना बच गया 1, यानी हमारे पास कितना है 168, बड़ी संख्या प्लस में थी इसलिए क्या आ गया प्लस, यानी A31 31वां पद जो होगा वो कितना होगा 169 होगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए कि 10 में से गया 8 तो कितना बचा 2, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास 6 में से गया 3 तो कितना बचा 3, यानी कितना 32 आया, तो उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना हमारे पास होगा 32 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 32 राइट कर देना, तो माइनस करोगे तो 10 में से गया 2 तो कितना आ गया 8, ठीक है, 10 में से गया 3 तो कितना आ गया 7, ठीक है, और 1 का 1 यानी कितना आया A31वां पद कितना हमारे पास आएगा 178 हमारे पास आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जहाँ पर हमें AP क्या दिया 50 पद जिसके अंदर दिए गए 50 टर्म्स दिए गए, और जिसमें तीसरा टर्म क्या दिया है 12, यानी तीसरा पद जो है वो 12 दिया गया है, और आखिरी पद जो है वो हमें 106 दिया गया है, ठीक है, यानी टोटल पद कितने दिए गए 50, यानी आप स्टूडेंट्स मान लेंगे एन इज इक्वल टू हमें 50 दिए गए, ठीक है, तीसरा यानी A3 यानी तीसरा पद जो है वो हमें मुझे 12 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म यानी क्या होता है L होता है, ठीक है, वो कितना दिया 106 दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 पद हैं जिसमें से लास्ट पद क्या 106, यानी AN50 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे N की जगह 50, यानी 50वां पद 106 क्योंकि आखिरी पद क्या दिया 106 दिया हुआ, तो मुझे क्या कर रहा है यहाँ पे A29 29वां पद जो है मुझे क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे इसे, तो यहाँ पे आप जब A3 दिया हुआ तो A3, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, किस तरह A3 डी इज इक्वल टू AM माइनस AN बटे में M माइनस N, जहाँ पर M क्या होगा बड़ी वैल्यू यानी कितना होगा A50 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास A3 बटे में 50 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके, तो 50 की वैल्यू कितनी दी है 106 माइनस AN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मतलब A13 की वैल्यू दी है 12,
एम कितना दिया है 50, एन कितना दिया है 3। 106 में से 12 माइनस करो यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा 6, उधर 6 यानी 94 हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये कितना हो गया 47 हो गया। अब 47 को गुणा करोगे 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 40 × 80, 7 × 14 यानी कितना आ गया, यानी स्टूडेंट्स डी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 2 यहाँ पे आ गई। अब आपको क्या करना है कि A3 है तो लिख देना A3 इज इक्वल टू 2। इसे आप लिखना चाहो तो इस तरह राइट कर सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A+2D लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, जहाँ पर D इज इक्वल टू हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो A3 का कितना मान दिया 12। A मुझे पता है क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, A नहीं पता, मुझे A क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा 2। D कितना दिया है 2 दिया है, 2 × 2 कितना हमारे पास हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना दिया है 12, इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी स्टूडेंट्स कितना आएगा A की वैल्यू 8 यहाँ पे मेरे पास आ गई। तो A मेरे पास 8 आ गया और D मेरे पास 2 आ गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट A29 फाइंड कर सकता हूँ। 29वां पद इज इक्वल टू फॉर्मूला A+(n-1)×D। ओके, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 प्लस, अब 29वां पद दिया यानी 29 माइनस कितना हो जाएगा 1, D कितना हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, तो 8+29 में से 1 यानी कितना हो गया 28 × कितना हो गया 2 हो गया। 28 × 2 स्टूडेंट्स कितना होता है हमारे पास 56 होता है, यहाँ पे कितना है 8 यानी 56 और 8 कितना हो गया 64, यानी स्टूडेंट्स 29वां पद यहाँ पे कितना होगा 64 होगा। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सेम इसी के जैसा है, फर्क कितना है, यहाँ पे 29वां पद हमें फाइंड करना था, जैसे यहाँ पे फाइंड किया तो यहाँ पे कौन सा पद 0 होगा वो हमें फाइंड करना, तो एकदम ईजी है, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, सेम पहले डी लिख देना है, ठीक है, किसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 9 के लिए। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास A9 - A3 इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हो जाएगा 3। A9 की वैल्यू कितनी दी है -8, -A3 की वैल्यू कितनी दी है 4, ठीक है, उसके बाद 9 में से 3 माइनस हुआ यानी 6। ओके, तो यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया -12 हो गया, इधर कितना हो गया 6 हो गया, 6 × 2 कितना हो गया 12 यानी कितना आ गया -2 मेरे पास आ गया, D की वैल्यू -2 आ गई। ओके, देन क्या करोगे, किसी भी एक के अंदर रख दोगे, तो A3 इज इक्वल टू कितना 4 दिया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A+2D लिख सकते हो। ओके, तो A3 की वैल्यू कितनी दी है 4, और A की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है 2, D की वैल्यू -2, 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया -4, इधर कितना है 4। अब ब्रैकेट जब हटाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, यानी 4+ क्या हो जाएगा 4 यानी इज इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 आ गई। अब मेरे पास A भी है और क्या है D भी है, हमें क्या पूछा है कि An इज इक्वल टू 0, कौन सा पद जो है वो 0 होगा वो फाइंड करना है, तो आप An इज इक्वल टू फॉर्मूला A+(n-1)× क्या रख देंगे D। An इस बराबर कितना रखना है स्टूडेंट्स हमें 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 8+(n-1)×D। D के हमारे पास कितना यहाँ पे दिया है -2, फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना 8, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यानी -2n, और माइनस माइनस क्या हो गया +2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये जुड़ जाएगा कितना हो गया 10 माइनस कितना हो गया 2n। ओके, अब यहाँ पे 2n को इस साइड ले लो तो यहाँ पे कितना +2n हो जाएगा, क्योंकि माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 10, n को निकाला मैंने कॉमन, 10 डिवाइड में कितना हो गया 2 पंचे कितना हो गया 10 यानी 5। यानी स्टूडेंट्स कौन सा पद 0 होगा, यानी A5 पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा 0 यहाँ पे होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 17 टर्म्स ऑफ द NAP एग्जिट्स इट्स 10 टर्म्स बाय 7। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें जो 17वां पद दिया उसका मान दिया है 10वें पद और कितना है 7 यहाँ पे हमें क्या किया हुआ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। कितना दिया 17 टर्म्स दिए, यानी A17 इज इक्वल टू
क्या दिया, दसवें पद बाई सेवन, दसवें पद का कितना है 7 यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द डी, डी मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, आपको क्या करना है, हमें सार्व अंतर जो है वो ज्ञात करना है, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप सिंपल से स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, ए 17 यानी इसे लिख सकते हैं ए प्लस 16D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखो, ए प्लस 9D प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास है 7 है, तो ए को इस साइड ले लो, माइनस कर दो 16D माइनस ए क्या हो गया प्लस 9D। देखो ये इधर के माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना था हमारे पास, ठीक है यहाँ पे मान लो 0 बच गया, इस साइड ले लिया क्योंकि 0 बचेगा ऑब्वियसली है, तो ए और ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9D घटाओ यानी कितना हमारे पास आ गया 7D आ गया, माइनस कितना है 7 इज इक्वल टू कितना है 0, माइनस 7 को वापस इस साइड ले लो, ठीक है तो 7D यहाँ बच गया, ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस, ठीक है 7 कैंसिल हो जाएगा यानी 7 एकम कितना हो गया 7, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो क्योंकि ये इसके भाग में आएगा, यानी 7 एकम कितना हो गया 7, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है तो यही तो हमें चाहिए था, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आ गया 1 आ गया, एकदम इसी था। चलिए स्टूडेंट्स आगे के सवाल देखते हैं अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है जिसमें क्या दिया है 54वां पद जो है वो क्या है 132 से ज्यादा यहाँ पे दिया, तो कौन सा पद जो है वो 54वें पद से 132 से ज्यादा होगा, तो सपोज कर लेंगे यहाँ पे ए तो 3 दिया है, डी फाइंड कर लेंगे, तो सपोज करेंगे ए एन कौन सा पद, यानी ए एन वा पद जो है वो 54वें पद से क्या है 132 जो है वो ज्यादा है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 53 डिवाइड कर सकते हैं प्लस 132, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 3, तो 3 रख दिया हमने 53, d कितना दिया है 12 दिया है प्लस कितना है 132, अगर देखो a की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ पे रख दो 3 एन माइनस 1, d हमारे पास कितना दिया है 12, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 12 गुणा एन कितना हो गया 12n माइनस कितना हो गया हमारे पास 12 इज इक्वल टू इतना हो गया, यहाँ पे n आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, तो इधर देखेंगे स्टूडेंट्स तो 3 का 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 12 3 कितना हो गया 36 का 6 हासिल कितना लगा 3, 12 पंचे कितना हो गया 60, 60 और 3 कितना हो गया 63 प्लस कितना हो गया 132, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे हम, ठीक है तो 6 2 कितना हमारे पास हो गया 8, 3 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 3, ओके तो यहाँ पे कितना हमारे पास हो जाएगा 771 771 हो गया, उसी तरह यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 12n माइनस 9 में से जाएगा 12 में से जाएगा 3, तो कितना बचेगा हमारे पास 9, माइनस 9 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, यानी 771 प्लस कितना हो जाएगा 9, हाँ 9 ओके तो यहाँ कितना 12 एन, एन को निकाला मैंने कॉमन तो यहाँ जुड़ जाएगा कितना हो गया 780, ठीक है यहाँ पे कितना हो गया 12, ठीक है तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 12 के पढ़े में आता है 78 या उससे कम उतना पहाड़ा पढ़ना है, तो 12 छंग कितना यहाँ पे होता है 72 यानी कितना बच गया 6 और यहाँ पे कितना हो गया 0, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 यानी कितना आ गया 65 यानी एन यानी कितना 65वां पद जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा 54वें पद से 132 क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये हमारा आंसर है। आगे 12वां सवाल स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे किताब में तो क्या दिया इसका जो यहाँ पे 12 टर्म्स यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया, तो यहाँ पे 100 टर्म्स जो है यहाँ पे ठीक है वो इस क्या दिया उसका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पे कितना दिया 100 दिया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, तो यहाँ पे 1000 अगर जो पद है तो उसका डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, ठीक है अगर वहां अगर हिंदी में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वहां पे दिया हुआ है दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर जो है वो क्या दिया कॉमन डिफरेंस समान दिया है, यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले क्या मान लेंगे, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद, प्रथम एपी का यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप प्रथम पद इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मान लेंगे A1 मान लेंगे, ठीक है और द्वितीय यानी दूसरे लिख सकते हो यहाँ पे या फिर आप दूसरे एपी का दूसरा
पद, इसे क्या मान लेंगे, ए टू यहाँ पे मान लोगे, ठीक है। अब इसे फाइंड करेंगे ए पी के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ए एन है ए वन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट्स इसे हम किस तरह इस तरह रख सकते हो आप, ए वन हंड्रेड इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वन क्या हो जाएगा 99 डी, इसे इक्वेशन वन देते हैं। फिर दूसरा ए डेस, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं ए टू, ए टू हंड्रेड के लिए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टू लिख दोगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 99 डी हो जाएगा, इसे क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है आपको, ए टू माइनस ए वन कर देना है, ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पे हमें जो होगा वो 100, इसका डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया, क्योंकि वही यहाँ पे दिया है कि 100वें पद का यहाँ पे अंतर कितना दिया है 100 दिया, तो हमने यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है। तो A2 कितना दिया है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको A2 प्लस 99 डी बीच में माइनस A1 प्लस 99 डी, ओके, फिर यहाँ पे 100 हमें दिया हुआ, तो जब इसे इसका आप ब्रैकेट ओपन करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो गया 99 डी, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो है 99 डी और ये 99 डी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, आप इसे इस तरह लिख सकते हो ए वन माइनस ए टू, इस तरह राइट कर सकते हैं हम, तो ए वन माइनस ए टू का जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया 100 था, तो यहाँ पे क्या राइट कर दोगे 100, इसे क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर तीन यहाँ पे आप नाम दोगे। इसी तरह हम किसके लिए फाइंड करेंगे, 1000 के लिए, तो 1000 के लिए A1 हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे A1 इधर लिख देते हैं A1, तो 1000 के लिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, A1 प्लस 999 डी हो जाएगा, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर चार, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे A2 के लिए वो भी 1000 है, तो यहाँ पे A2 मतलब ये बड़ी संख्या, ठीक है, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 999 डी, इसे इक्वेशन नंबर देंगे पाँच। अब क्या करोगे, यहाँ पे सेम वापस कर देना है आपको A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, अब इसका अंतर नहीं दिया तो मान लेंगे इसका अंतर कितना है x है, तो हमें इसका अंतर क्योंकि ज्ञात करना है तो हमने सपोज कर लिया, तो इसमें देखना है आपको A1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिख देना आपको सेम A1 माइनस 999 डी, ठीक है, प्लस दिया तो प्लस, फिर माइनस A2 प्लस 999 डी, ओके, यहाँ पे कितना दिया है एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दोगे यहाँ पे, तो ये क्या माइनस तो था, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 999 डी, तो यहाँ पे A1 प्लस 999 डी, ओके, तो ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू एक्स बचा। अब इक्वेशन नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पे किसके अंदर, 3 में देखोगे, तो यहाँ पे A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे लिख देना है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ठीक है, कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 3 से आया, ठीक है, बाय इक्वेशन 3, तो इसके अंदर यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया, 100 आ गया, 100 इज इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे हो गया, x हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 यहाँ पे आ गई। तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम हुआ, इससे ये मालूम पड़ेगा कि 1000 और 100वें पद का दोनों का अंतर ही कितना होगा, वहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरह हमने 2 अंक वाली लिया था ना को एग्जाम्पल नंबर 6 या 7 के अंदर, उसी तरह सेम यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है। अब ये विभाज्य किससे होनी चाहिए, 7 से भाग जानी चाहिए, कटनी चाहिए, तो देखो 7 के पाड़े में 70 आएगा, फिर 30 आता है क्या, नहीं आता, 7 पंचे कितना 35 आता है, यानी 70 और 35 कितना हो गया 105, यानी पहली संख्या क्या होगी 105 होगी, उसके बाद फिर क्या करना आपको जोड़ देना 7, यानी कितनी होगी 112 होगी, फिर कितनी होगी 119 होगी, ठीक है, फिर ऐसे आखिरी की संख्या। अब फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि आखिरी की संख्या कितनी होती है, 999, 7 से जानी चाहिए भाग, ठीक है, भाग देंगे तो यानी 7 एकम कितना हो गया 7, 9 में से गया 7 कितना बच गया 2, यानी 29 हो गया, ठीक है, फिर वापस 7 चौक कितना होता है 28 होता है, बच गया कितना 1 बच गया, तो 1 और 9
अब 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा, तो यहाँ पे 9 आएगा क्या, नहीं कितना आएगा, 4 आएगा, तब जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पे कितना आएगा, 142, यानी आखिरी संख्या स्टूडेंट्स वो कौन सी होगी, 994 होगी, जो 7 के पहाड़े में आएगी। तो हमारे पास आखिरी संख्या है, इसका मतलब L कितना मिल गया, 994, और A कितना मिल गया, 105 मिल गया, D कितना मिल गया, 7, क्योंकि 7 से विभाज्य, यानी D कितना होगा, 7 हमारे पास होगा। हमें क्या पूछा है, कितनी संख्या, यानी हमें N फाइंड करना है, ठीक है। तो An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, An मतलब आखिरी संख्या कितनी दी है, 994, राइट कर दो, A कितना दिया, 105 प्लस N, तो मुझे ज्ञात करना है, D कितना दिया है, 7 दिया हुआ, ओके 105 प्लस 7N हो गया, माइनस कितना हो गया, 7, ठीक है माइनस हो जाएगा, यानी मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे, माइनस कर दो तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 98 हो जाएगा, ठीक है 7 माइनस हो जाएगा तो प्लस कितना हमारे पास 7N, ठीक है फिर यहाँ पे कितना हमारे पास 94, अब इसको इस साइड ले लो तो 994 माइनस 98 इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास, 7N बच गया, ठीक है तो 14 में से गया 8, कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 बच गया, इधर कितना बचा 8, 18 में से गया 9, तो यानी कितना बच गया 9, यहाँ कितना बचा 8, यानी हमारे पास कितना आ गया, 896 आ गया, इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, 7N, N को निकाला मैंने कॉमन, तो डिवाइड में एक 7 आ जाएगा, तो 896 अपॉन में कितना हो गया, 7, ओके तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम कितना हमारे पास हो गया, 7 हो गया, ठीक है एक बजे यानी कितना हो गया 19, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 में से गया 19 तो कितना बचा 5, 5 और 6 कितना आएगा 56, 7 हटे कितना हो गया 56, यानी 128वां पद जो होगा वो कितना होगा, 994 होगा, समझ में आए, यानी कुल कितनी संख्या विभाज्य, तो 128 संख्या जो है वो कुल 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी 3 अंकों वाली। तो इस तरह यहाँ पे सवाल क्या होता है हमारा, फिनिश होता है। आगे का सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 10 और 250 के बीच 4 से 4 के कितने गुणज हैं, गुणज मतलब यह 4 से भाग जाने चाहिए, तो सबसे पहला 12 आएगा, 4 तीन क्योंकि 12 होता है, क्योंकि 11 भी नहीं आता 10 भी नहीं आता 4 के पहाड़े में, ओके उसके बाद फिर 16 फिर 18 फिर अनंत तक, आखिरी संख्या क्या दी है, 250 दी हुई है, ठीक है तो अब 4 से भाग देके देख लेना सेम इस तरह, तो 4 छंग कितना हमारे पास हो गया 24, ठीक है तो 1 बज के कितना हो गया 10, 4 दूनी कितना होगा 8, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना हमारे पास आएगा 8 आएगा, ठीक है और यहाँ स्टूडेंट्स कितना हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से तभी भाग जाएगा, क्योंकि 4 छंग 24 का 6 और 4 दूनी 8 कितना हो गया 2 हमारे पास हो जाएगा, तो इस प्रकार ए हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 12 आ गया, और D तो हमें पता है कि D कितना 4, क्योंकि 4 का गुणज दिया इसलिए, और L यानी आखिरी पद कितना है हमें 248 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है तो 4 का गुणज हमें फाइंड करना है कितने, तो सेम क्या करना है आपको An इसकी तरह फाइंड कर लेना है, तो An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, आखिरी संख्या कितनी दी है 248, A कितना दिया है 12, N तो हमें फाइंड करना है, D कितना दिया है 4, फाइंड कर लो 12 4 गुणा एन 4n कितना हो गया 4, इधर क्या हो जाएगा माइनस 12 में से जाएगा 4 तो कितना आ जाएगा 8 प्लस क्या हो गया 4n हो गया, ठीक है यहाँ पे कितना दिया है 248, इधर आके ले लो माइनस हो जाएगा ये तो 248 माइनस कितना हो गया 8 इज इक्वल टू कितना बच गया 4n, तो यहाँ पे कितना 240 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 4n, n को निकाला मैंने कॉमन तो कुछ नहीं डिवाइड में 1 आ जाएगा, ठीक है तो 240 डिवाइड में कितना हो गया 4, 4 छंग कितना हो गया 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 0 हो गया 0, यानी कुल 60 संख्या ऐसी होंगी जो क्या होंगे 10 और 250 के बीच 4 के क्या होंगे गुणज होंगे, कुल संख्या कितनी होगी 60 होगी।